हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार आप सभी को हसपुरा किसी भी चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3 जो एनसीईआरटी बुक का है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इस लिटरेचर को ध्यान समझेंगे और उसके हिसाब से हम आगे को पढ़ेंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि सीरीज ऑफ 0-1, 2-1, 0-3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करें। मतलब इसमें दो प्रश्न है, एक तो सबसे पहले मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और सेकेंड प्रश्न है कि दिए गए क्षेत्रफल और निकाला गया क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात करना है। तो उसको बनाने से पहले हम चित्र की ओर चलते हैं, चित्र बन जाएगा तो आसानी से बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, स्वसनामक प्रोसेस का प्रश्न है, बड़ी सिंपल है। तो कहा कि शीर्ष 0-1, 2-1, 0-3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो शीर्ष दिया हुआ है, तीनों शीर्ष से क्या क्षेत्रफल है, त्रिभुज। तो हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, मान लेते हैं एक बिंदु है, एक बी बिंदु है और एक सी बिंदु है। ए बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 0-1, बी का दिया हुआ है 2-1 और सी का दिया है 0-3। इन तीनों भुजाओं के मतलब ए भी भुजा है, बी सी भुजा है और ए सी भुजा है। तो इन तीनों बिंदु से बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं के, तो बताओ इन तीनों बिंदु तो हो गया बट भुजा कौन कौन है, तो ए भी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा। भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो ध्यान से देखना, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो रहा। तो बता ए बी का मध्य बिंदु मानते हैं पी है, ठीक। बी सी का मध्य बिंदु मानते हैं क्यू है और ए सी का मध्य बिंदु मानते हैं क्या है, आर है। इशाफा दिया हुआ है कि भुजाओं के मध्य बिंदु से, भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु पर पी आया, क्यू आया, अटचे आया और तीनों बिंदु से एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है और त्रिभुज का नाम क्या है, पी क्यू आर। अब इसी त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना है कितना होगा। तो अपने से थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल तभी होगा जब पी क्यू आर का निशान मालूम रहेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले तीनों बिंदु के निशान निकाल लेते हैं। तो निशान निकालने के लिए सूत्र का अध्ययन नहीं होता है और सूत्र कोई लंबा चौड़ा नहीं है, बता चुके हैं कि सूत्र लॉजिक का चीज है, क्वेश्चन पढ़ो और फॉर्मूला को पता करो। तो ध्यान दो कि पी बिंदु का वैल्यू निकालना है, पी बिंदु किसका मध्य बिंदु है। तो चूंकि ए बी का, चूंकि ए बी का मध्य बिंदु क्या है, पी है। तो जब ए बी का मध्य बिंदु पी है तो जानते हैं कि मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर x1 + x2 / 2 और y बराबर y1 + y2 / 2, यही सूत्र होता है। तो चलते हैं सूत्र से, एक्स वन तो ए बी में एक्स वन मान कितना है, तो x1 / y1 x2 / 2 तो एक्स वन का मान है 0 + x2 का मान है 2/2, 2 + 0 0 + 2 देना होगा, तो 2 ना होगा, तो 2/2 के बाद में तो 1 बार किसका मान आया, x का मान आ चुका है। अब चलते हैं y की तरफ, y में y1 चाहिए तो x1 y1 x2 y2, तो y1 का मान है -1 + और y2 का मान है
प्लस वन बटा टू माइनस वन और प्लस वन कैंसिल होगा जीरो, कितना आएगा जीरो बटा कितना टू, तो जीरो में दो से भागा कितना पूरा टर्म जीरो होने वाला है। तो इसलिए कौन बिंदु पी बिंदु का नियामक आ गया, एक्स का मान आया है वन और वाई का मान आया है जीरो जीरो। तो पी का नियामक आया उसी तरह बिठाते हैं किसान नियामक क्यू बोले जाते हैं। तो चूंकि बीसी का मध्य बिंदु क्यू क्या है क्यू है, बीसी का मध्य बिंदु क्यू है तो मध्य बिंदु से जानते हैं एक्स बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू और वाई बराबर वाई वन प्लस वाई टू बाई टू इन होता है। तो एक्स वन एक्स टू बैठाना है तो बीसी में चलते हैं बीसी एक्स वन वाई वन एक्स टू बाई टू, तो एक्स वन का मान है टू प्लस और एक्स टू का मान है जीरो बाई टू, तो दू प्लस जीरो बराबर दू बटा टू, दू दू कैंसिल के बाद में एक बार। अब आते हैं वाई वन के लिए, तो वाई वन का मान है वन प्लस और वाई टू का मान है थ्री थ्री बटा टू बराबर थ्री और एक कितना फोर बाई टू, दू से चार से भाग देंगे कितना बार में दो बार कट जाए दो बार में तो कितना आया दो बार है। तो इसलिए किसका नियामक क्यू क्यू का नियामक आ गया एक्स का मान वन और वाई का मान टू। तो आंसर नहीं आ रहा है, असली आंसर निकालना है कि इन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब बिंदु P, बिंदु Q और बिंदु R का निशान मालूम होगा। तो P का वैल्यू निकल चुका है, Q वैल्यू निकल चुका है और बच गया R। तो पहले इतना जल्द से जल्द स्क्रीन शॉट ले। तो अब चलते हैं, P आ गया है, Q भी आ चुका है, बच गया शेष R। तो चूंकि ध्यान देना एसी रेखा खंड का मध्य बिंदु कैसे है आर है, तो चूंकि एसी का मध्य बिंदु आर है, तो जब एसी का मध्य बिंदु आर है तो फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु एक्स बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई बराबर वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। तो फिर बैठाते हैं एक्स वन एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एसी की तरफ, तो एक्स वन का मान है जीरो प्लस एक्स टू का मान है जीरो बटा टू, तो जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो मतलब कितना होगा जीरो, तो जीरो बाई टू और जीरो बाई टू बराबर कितना जीरो जीरो, ये माना है एक्स का मान है। अब आता है वाई की तरफ, तो वाई में जब चलेगा तो वाई वन का मान है माइनस वन प्लस और वाई टू का मान है थ्री बाई टू, माइनस वन और प्लस थ्री तो बताओ कितना होगा प्लस के टू, तीन में से माइनस वन जाएगा तो प्लस के टू बचेगा बटा टू, तो दो से दो कैंसिल वन, तो के बाद में एक बार में, तो इसलिए आर का नियामक जीरो, एक्स का मान आया जीरो और वाई का मान आया वन वन, तो आर का भी सत्य कितना जीरो और वन। तो इस तरह हमारा पी का आ चुका है एक जीरो, क्यू का आ चुका है एक दो और आर का आ चुका है जीरो और एक। तो इतना लंबा प्रोसेस काहे बना, क्योंकि इन तीनों बिंदु का निर्देशांक जब तक नहीं मालूम चलता है जब तक हम त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। तो अब तीनों बिंदु का जब निर्देशांक मालूम चल गया तो हम आसानी से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इतना जल्द से जल्द श्री सौ के लिए बताते हैं, तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न करा था शीर्षो इन तीनों बिंदु से बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, मतलब लिटरेचर पढ़ रहा है और मतलब बारी बारी ध्यान से चीज बनाना है। तीनों शीर्ष दिया होता है
ये तीनों सी से त्रिभुज बना एबीसी, भुजाओं के मध्य बिंदु एबी भुजा का मध्य बिंदु पी है, बीसी का क्यू है और एसी का आर है। आई तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम तीनों बिंदु का क्या निकाल दिए, निशान। और जब निशान निकल गया तो निकालते हैं एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, एरिया का मतलब क्षेत्रफल। और जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। ट्रिक बताए थे और फॉर्मूला याद करेंगे, उस फॉर्मूला सब याद कर सकते हैं। तो 1/2 x1 23 प्लस x2 31 प्लस x3 12। मतलब फॉर्मूला होता है एक 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं, 23 31 12 कभी गलती होने की संभावना नहीं रहेगा। एगो बात बता चुके हैं कि जब त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना हो रहा तो x1 y1 x2 y2 आसानी से छाट लेंगे, छाट देंगे तो गलती होने से बच सकते हैं। तो छाट लेते हैं तो x1 का मान, x2 का मान और x3 का मान, y1 का मान, y2 का मान और y3 का मान। तो x1 जितना है तो पी क्यू आर में चलना है, पी क्यू आर। तो x1 y1 x2 y2 x3 और y3। तो x1 का मान 1, x2 का मान 1 और x3 का मान 0। y1 का मान, y1 का मान 0, y2 का मान 2 और y3 का मान 1। छाट लिए तो गलती से बच सकते हैं, चलते हैं क्वेश्चन बैठाते हैं। 1/2 x1 तो x1 का मान है 1, y2 का मान है 2, y3 का मान 1 प्लस x2 1, y3 1, y1 0, x3 0, y1 0, y2 2। मतलब जितना वैल्यू है उसको हम आसानी से बैठा दिए। और बैठाने के बाद बता चुके हैं कि पहले ब्रैकेट तब बाहर, तो पहले ब्रैकेट में हल करते हैं। 1/2 1 गुना है बाहर में तो गुना चिन्ह दे दो, 2 में से 1 घटेगा कितना देगा 1 प्लस 1, गुना बाहर में तो गुना दे देंगे, 1 में से 0 कैंसिल हो रहा तो 1 बचेगा प्लस 0 गुने 0 में से -2 कैंसिल हो रहा तो -2 बचेगा। तो इसके बाद आगे कैलकुलेशन करेंगे, तो पहले इतना स्पीड सॉल्व करें जल्द से जल्द, पहले बताते हैं। तो इसके आगे हम चलते हैं, तो बच गया 1/2, 1 में 1 से मल्टीपल हो रहा तो 1 प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लेंगे, 1 में 1 से मल्टीपल हो रहा तो 1 प्लस माइनस माइनस, 0 में -2 गुना हो रहा तो बता कितना हो रहा पूरा 0। 1/2 1 प्लस 1 2 और 2 में से 0 गया तो 2 बचेगा। 1/2 गुने बाहर में 2 आया तो 2 रहेगा, इन 2 में एक गुना चिन्ह बाहर में है, 2 से 2 कैंसिल, 1 वर्ग मात्रक ये हमारा आंसर है। तो एक जो आंसर है वो किसका आया, भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है कितना, 1 वर्ग मात्रक। बता चुके हैं कि किस लिए लगाए, क्योंकि क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल हमेशा यूनिट में होता है और यूनिट में रहने के लिए वर्ग मात्रक लगाना जरूरी है, नहीं लगाएंगे तो नंबर काट भी सकता है एग्जाम। तो इतना स्पेस हो क्लियर, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें ताकि मैं वीडियो डाले तो आपके पास पहुंच सके। तो इसमें एक क्वेश्चन बना, एक क्वेश्चन बहुत लंबा प्रोसेस का है,
बताने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस क्वेश्चन समझाने में टाइम नहीं लगता है, तो ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं, जब एक रो बनाने आ जाएगा तो क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, अब प्रश्न कर रहा है कि इस क्षेत्रफल का, कौन क्षेत्रफल का, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी निकाले, जस्ट कौन निकाले, PQR, इस क्षेत्रफल का दिए गए क्षेत्रफल कौन सा त्रिभुज दिया हुआ था, PQR कि ABC, तो इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब इस क्षेत्रफल का, कहने का मतलब त्रिभुज PQR का और दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का अनुपात निकाले। तो अनुपात निकालने से पहले PQR का क्षेत्रफल तो हम निकाल चुके हैं, बल्कि हम ABC का क्षेत्रफल निकाले हैं, तो अनुपात तभी निकलेगा जब सबसे पहले हम अनुपात निकालने से पहले ABC का कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलते हैं ABC की तरफ, तो एरिया त्रिभुज ABC बराबर 1/2 X1 23 H2 31 H3 12 फॉर्मूला होता है त्रिभुज क्षेत्रफल। अब इसे बैठाते हैं तो 1/2 तो X1 H2 H3 छाट लेंगे, इधर छाट लेना और आसानी से बना देना। चलते हैं डायरेक्ट, तो X1 तो ABC में चला है, तो ABC में ABC X1 y1 H2 y2 H3 y3 तो X1 का मान है 0, छाट लेंगे, डायरेक्ट बता रहे हैं छाट बनाना। Y2 X1 y1 H2 y2 मतलब बता रहे हैं कैसे टाइम वेस्ट होता है, छाटेंगे तो कितना फास्ट और नहीं छाटेंगे तो कितना स्लो। X1 का मान 0, Y2 X1 y1 H2 y2 और Y2 का मान है 1 माइनस Y3 तो X1 y1 H2 y2 H3 y3 तो Y3 का मान है 3। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इस प्रॉब्लम से बचना है तो अपने मन से किसी के भरोसा नहीं रहेंगे, छाटेंगे और बनाएंगे। H2 तो H2 का मान है 2, Y3 तो Y3 का मान है 3, Y1 तो Y1 का मान है -1 तो -1 प्लस H3 तो H3 का मान है 0। बता चुके हैं कि कौन X1 होता है, कौन H2 होता है। Y1 तो Y1 का मान है -1, Y2 तो Y2 का मान है +1। मतलब जो X1 H2 H3 जो बैठाए वो बता चुके हैं कि चल रहे त्रिभुज ABC में ABC में X1 y1 है, H2 y2 है, H3 और y3 है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे की तरफ 1/2 0 गुणे 1 में से -3 कैंसिल हो रहा है माइनस, तो -2 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 1 4 प्लस 0 गुणे -1 प्लस तो माइनस 2 1/2 0 में -2 से पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बताओ 2 डायड प्लस 0 0 हो जाएगा प्लस 4 गुणे 8 प्लस माइनस 0 में 2 से गुणा हो रहा है पूरा कैसे बनेगा 1/2 बताओ जितना लिखे 0 लिखे या 8 लिखे, कहीं 0 का कोई महत्व नहीं है, तो 1/2 और गुणे कितना 8 के बारे में 4 तो 4 वर्ग मात्र। यह आंसर ही पूछ रहा है, इसका आंसर निकालना है त्रिभुज PQR के साथ अनुपात निकालना है। तो प्रश्न करा था कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात निकाले, तो जब अनुपात निकालना है तो हम क्या करते हैं, तो कहा कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल
बताओ पी क्यू आर त्रिभुज दिया था कि एबीसी दिया था, एबीसी तो एबीसी दिया था तो एबीसी का क्षेत्रफल जब तक निकालेंगे नहीं, जब तक अनुपात नहीं निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल चुके हैं, अनुपात निकालेंगे क्षेत्र क्या है, क्षेत्रफल निकाल चुके हैं तो चलते हैं। तो इसलिए एरिया त्रिभुज इस क्षेत्रफल का, तो इस क्षेत्रफल का मतलब पी क्यू आर बटा अनुपात मतलब बटा और दिए हुए क्षेत्रफल का तो कौन सा दिया था, एरिया त्रिभुज एबीसी। इस क्षेत्रफल का दिए गए क्षेत्रफल का अनुपात निकाले तो बताओ ए पी क्यू आर क्षेत्रफल कितना था, वन। अब एबीसी का कितना आया, अच्छा तो एक अनुपात चार, यहाँ जाकर आंसर हुआ। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा प्रोसेस रहा है, थोड़ा सा ध्यान मतलब बनाइएगा, आगे पीछे बिल्कुल जरूर देखिएगा।